In this video, I am going to explain you IEEE 802.11. So basically, सबको confusion रहता है कि what is IEEE. तो IEEE एक standard है जो technology के level पे update होता रहता है. तो मैं discuss करूँगा 802.11. So किसी भी standard का एक small building block होता है, जिसे हम कहते हैं कि उसको explain करने के लिए कुछ एक stations provide किए जाते हैं. वो एक standard building block होता है. तो यहाँ पे एक ये सर्कल में आप देख सकते हो कि तीन स्टेशंस है, तो ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है. तो बेसिकली IEEE क्या करता है, तो IEEE में अगर दो मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो एक बेसिक सर्विस सेट के अंदर है. अगर दो से ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी उस सर्विस सेट में आएंगे. सो एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक में मोर देन टू डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही है. So, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. एक्सेस पॉइंट वन के अंदर स्टेशन टू थ्री एंड फोर कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ नहीं है. यहाँ पे मेरे पास दो सर्विस सेट है, वन एंड इट इज अगेन नेक्स्ट. अब सपोज ये सर्विस सेट और ये सर्विस सेट दोनों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे विद इन द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो इसको हम बोलेंगे BSS communicating with other BSS using distribution system. अब suppose ये mobiles individually यानी कि एक ही BSS के अंदर एक दूसरे के साथ communicate कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे IBSS. IBSS stands for independently basic service set. Independent basic service set. अब independent basic service set को एक और भी नाम दिया गया है, तो वो है ad hoc. You can note down here. एडहॉक. सो इंडिपेंडेंट सर्विस सेट का मैंने एक डायग्राम, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, सो यू कैन कंसिडर कि ये एक सर्विस सेट है, इसके अंदर ये स्टेशंस कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो होंगे एडहॉक एंड दे आर कॉल्ड IBSS. अब पर्टिकुलर स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कुछ सर्विसेज है, तो मेरे पास एक इजीएस्ट डायग्राम है जिसमें मैं आपको इजिली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी सर्विस किसकी है और वट particular service works for. So let us see the diagram and hierarchy of the services for distributed system as well as the stations. IEEE 802.11 mein there are two types of service we get, station and distributed system. So station ke paas se hame kaun si service milegi, that is authentication, deauthentication, privacy and MAC service data unit. So what is authentication? Authentication दो तरह के होंगे. One is open and shared key. Open authentication यानी क्या? Suppose कोई user अगर request करता है access point के लिए, तो वो authenticate हो जाएगा. That is known as open authentication. Next one is shared key. यानी कि user पहले से registered होना चाहिए, उसके पास shared key होनी चाहिए access point की, तो वो access कर पाएगा. So it is known as shared key authentication. नेक्स्ट वन इज डी ऑथेंटिकेशन. अगर कोई यूजर ऑथेंटिकेट करके यूज कर रहा है एक्सेस पॉइंट का, अगर वो एक्सेस पॉइंट को टर्मिनेट करता है, तो दैट इज नोन एज डी ऑथेंटिकेशन सर्विस. नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी. प्राइवेसी मीन्स अगर यूजर एक्सेस कर रहा है वायरलेस सिस्टम्स में, प्राइवेसी का इश्यू बहुत होता है. ईवॉस ड्रॉपिंग दैट आर नोन एज, अगर कोई भी अटैकर वी कैन से वायरलेस सर्विस को मॉनिटर कर रहा है, तो वो प्राइवेसी भी हमें मिलेगी. दैट इज नोन एज दिस प्राइवेसी सर्विस वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम WEP. यानी कि WEP एल्गोरिथम का यूज करके हम ये प्राइवेसी ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मैक सर्विस डेटा यूनिट. मैक सर्विस डेटा यूनिट दैट एंश्योर्स, ये सर्विस एंश्योर करती है कि डेटा जो है वो सेंडर और रिसीवर, सेंडर के पास से रिसीवर के पास ट्रांसफर हो गया है. So it is in short ensures that the data is delivered successfully or not. So ye thi services provided by the station. Next one is services provided by distribution system. Distribution system services first hai association. Association that means ke agar koi user ek access point ke saath associate kiya gaya hai, yani ki wo access point mein communicate kar raha hai, to that is known as association of itself.
यानी कि वो एसोसिएट कर रहा है खुद को उस एक्सेस पॉइंट के अंदर. सो इट इज नोन एज सिंपल एसोसिएशन. नेक्स्ट वन इज री एसोसिएशन. अगर सपोज कोई यूजर एक एक्सेस पॉइंट में है एसोसिएटेड ऑलरेडी, अगर वो उस एक्सेस पॉइंट में से दूसरे एक्सेस पॉइंट में जाना चाहता है, सो दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज नोन एज री एसोसिएशन. यानी कि वो यूजर का री एसोसिएशन होगा वापस से एक एक्सेस पॉइंट में से दूसरे एक्सेस पॉइंट में. थर्ड वन इज डी एसोसिएशन. अगर कोई यूजर अपना कम्युनिकेशन चैनल टर्मिनेट करना चाहता है एक्सेस पॉइंट के साथ, तो वो डी एसोसिएशन सर्विस का यूज करेगा. थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टेशन के पास से एक स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक डेटा प्रोवाइड कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो डेटा को दूसरे रिसीवर तक पहुंचाएगा. यानी कि एक एक्सेस पॉइंट दूसरे एक्सेस पॉइंट के पास कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये सर्विस हैंडल करेगी. नेक्स्ट वन एंड लास्ट एंड फाइनल वन इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन दैट मींस कि अगर IEEE 802.11 हमारा लैन कॉन्फ़िगर्ड है, तो इंटीग्रेशन की सर्विस से हम उसको यूज कर सकते हैं वायरलेसली. एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस आर आल्सो देयर फॉर इंटीग्रेशन सिस्टम. सो ये थी सिंपल एक्सप्लेनेशन सर्विसेज की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. वेल अगेन.